राम राम। मुझे पता है कैसे राम राम कर रहा है। माँ तुझसे राम राम कर लो तो तू मतलब बता रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दे थोड़े बहुत पैसे। बेटा पैसे तो क्या करेगा। माँ मुझे लैपटॉप लेगा ना। एक टाइम तो तुझे पैसे चाहिए, कुमत तो है नहीं। पूरे दिन तो मुझसे काम करवाती रहती हो और पैसे देते हो तो मैं जोर पड़ा है। मेरे पे तो पैसे है नहीं, अपने बाप से मांग। हाँ पिताजी से पैसे मांग लूँ वो दे देंगे मुझे। अभी तेरे लैपटॉप तेरे खर्चे ही पूरे नहीं होते हमारे पास, ना तो तू कमाता ना धमाता, ऐसे कैसे काम चलेगा। आई कुछ दिमाग में। अरे तेरे से तो परेशान आ गए हम तो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे फोर्स में कार दिला दी हो। काम कर जाके घेर में चला जा और जाके कुछ काम धंधा देख ले, नहीं तो कान पर पैसा मांगो तेरे खींच के, तेरी बुद्धि सेट हो जाएगी। जा तुझे सुना नहीं तेरे पिताजी ने क्या क्या। मैंने बाप तो सबके देखे पर तुम्हारे जैसे बाप ने देखा जो मेरे पे रूमाल तक भी दिलवा पाया। तू हमें पागल ही समझ रहा है। मैं जा रहा हूँ घर को छोड़ के। बेटा कहाँ जाएगा तू छोड़ के घर पे। मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या मतलब। हाँ भाई कहाँ था। नंगला सायम बता भाई मुझे भी खेला सको क्या था। हाँ खेल तू भी खेल पर एक शर्त होगी। हाँ बता शर्त बता। मैं पैसे रखवा के खेलूँ। हाँ रखवा के खेल, रखवा के दिक्कत है यार। रख पे। हाँ तू दिया बता कर देख जा। बाट में पत्ते ले रख दिया भाई। चल भाई पत्ते बाट। चलो भाग जाओ यहाँ से, दोबारा नजर ना आइयो खेत में, काट के ही दाब दूंगा। बेटा लेना हो तो देना, टाइम खराब ना करा मेरा। चलो अंकल जी कमरा दिखवाओ। चल बेटा दिखाओ। दिखाओ।
तुझे क्या लग रहा कि मैं अपना जमाई लाया? तो मैं क्या कह रही हूँ, मेरा जमाई लाए हो? पता नहीं क्या बोलते रहते हो। तुझे लड़ने को आ रही? लड़ने को आ रही हूँ मैं, तुम ही लड़ रहे हो। भाई तुझे क्या 4,000 रुपए होटल का कमरा लगा दूं यहाँ? अरे अंकल जी का बताओ, मैं 4,000 रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें कमरा तो अच्छा होना चाहिए। भाई एक दिन में तो 4-5 दे रहा हूँ, एक अलमारी दे रहा हूँ कपड़े रखने खातिर, ये दड़वा नहीं है, ये अलमारी अलमारी लेना हो ले और तुम निकल जाओ। अंकल जी वो बात तो तुम्हारी ठीक है, ये बताओ ये बरसात में टपकता तो नहीं है? भाई जहाँ जहाँ टपकेगा ना तो जगह जगह पतीले ला के लगा देना, तू आराम से रहो। चलो अंकल जी जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई सुन किराया टाइम से पहले मैं जिम में गिरती हूँ। ठीक है अंकल जी, तुम्हें किराया टाइम से मिलेगा। ठीक है भाई तू आराम कर ले। अरे ना बैठो तो गाड़ी छोड़ दो। अरे नाना तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें परेशान होने की बात है, तुम बैठो। तुम्हारे तो वैसे इतनी चोट लग गई। अरे मेरी छोड़ो, तुम बैठो तो सही, एक मिनट रुक जाओ। ये सब क्यों? बस ऐसे। चल ठीक है, तू अपनी दवाई लगा ले, ठीक है? अपना ध्यान रखना।
हेलो। हाँ शिवम, कहाँ गया? सड़क पर खड़ा है ना, सड़क से अंदर को आ जा तू, मैं आ रहा हूँ बाहर, है ना, जल्दी आ। आराम आराम से चलो। भाई तू यहाँ क्यों आ गया? यार तुझे तो पता है मेरी मम्मी पापा से लड़ाई हो गई है, तो तुझे पता मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ आराम से रहूँगा। और तुझे पता मैंने क्यों ये बता दिया? अच्छा, तेरा भाई यहीं मजे ले रहा है। एक मुझे भी दे दियो यार। अरे पहले मुझे आंसू दे, फिर मुझे भी दे। आप जवान? तुझे कोई जान से भी है नहीं है? घर में जवान लड़की बैठी है, शादी वगैरह के बारे में। अजी टेंशन तो है, पर क्या करूँ, अभी तो वो पढ़ रही है, पढ़ लेने दो, शादी भी कर ही देंगे। ठीक। बेटा किधर आओ? मेरे मस्त। ये अल्लाह कौन है? ये मेरे दोस्त है। चार हजार रुपये में तू पूरे गांव को ला बसा हुआ यहाँ? अंकल जी, बस दो चार दिन की बात है, ये दो चार दिन को आया कि फिर चला जा। चार से पांच दिन ना हो जा। ठीक है अंकल। शिवम बैठ यार, ये बुड्ढा तो बड़ा तेज है। वो तो है यार। गुरु तू यहाँ रह रहा है इस जन्नत में? यार मैं क्या बताऊँ, तुझे बता मेरी मजबूरी है। अच्छा यार, नहीं वैसे लड़की तुम्हें कैसे पता है? बस जैसे मैं एक दिन आया था ना, तो तेरे भाई की भी आप भाई की भाई की दिन से तेरे भाई के दिल में छा गई लड़ी। वैसे हमारी भाभी है कहाँ? पता नहीं है, ये उस कमरे में। चलो देखें। अरे यार एक आधी सेटिंग मारी करवा दे। मुझे लगा तो फ्रॉक मिले कई दिन होगी दिखते हैं। मुझे पता है, पिछली बार तुमने 15 मई को दी मुझे फ्रॉक। यार तुझे अपने फ्रॉक भूलता ना, आपने फ्रॉक। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसी काम से बाहर, इतने आराम कर। चल ठीक है, जल्दी आ जाइए। Thank you.
भाग्यवान जी। किधर आ? आई। तुझे बताया कौन आ रहा? कौन आ रहा जी? मेरा भाई, तेरा देवर। अच्छा, इसके लिए कुछ अच्छा से बना लेना। ठीक है, मैं कुछ अच्छा से बना लूंगी। खीर बनाऊंगी, मटर पनीर बनाऊंगी। लो आ गया तुम्हारा देवर। भाई यहाँ सब ठीक है, तू बता तेरा सफर कैसा रहा? कविता, ए कविता। जी माँ। तेरे चाचा आए, एक ग्लास पानी लिया। अच्छा माँ, ठीक है। और सब ठीक था माँ? हाँ, वो भी सब बढ़िया है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। अरे बुढ़िया, तो भूख बड़ी हो गई तू। कविता और सही है तू? जी चाचा जी, मैं सही हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है। चलो ठीक है, खूब लगन से पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ठीक है चाचा। कविता तू चल जाकर रसोई में दो कप चाय बना ले। भाई सुनील, तू जाकर मुँह हाथ धो ले, इतना चाय बन जाएगी। ठीक है भैया। ठीक है तो तुम दोनों बात करो, मैं खाना बना लेती हूँ। भैया ये लड़का कौन है? भाई ये हमारा नया किरायेदार है। भैया तुमने नया किरायेदार रख रखा है, इसके बारे में कुछ जानते हो? कैसा है, कैसा नहीं है, कुछ आता पता है इसके बारे में? हमारे घर में जवान बेटी है और तुमने नया किरायेदार रख रखा है, वो भी अकेला लड़का। ऐसे लड़के बहुत आवारा होते हैं, ध्यान रखना। भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, तू इसकी चिंता मत कर। पर तू यहाँ पर आ तो गया है, पर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है भाई, मेरा तो इस घर में बोलना ही बेकार है। सुनील क्या, तो सही था भाई, लड़का ऐसा दिख तो रहा नहीं, शरीफ लग रहा है। अनिल भाई देख क्या टॉप की लड़की जा रही। अरे भाई यही तो तेरी भाभी है। अरे बहुत सुपर लड़की पटाई भाई तन्ने तो। अरे तुम हट, अभी आ रही। तो क्या बात है, मेरी सारी दुनिया पी रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? मित्र अच्छे हो, कितने गंदे काम करते हो। तुम्हारे लिए तो मैं बीड़ी भी छोड़ दूंगा। चल झूठा। अरे क्या देख रहा है तू? आ चल। अरे तुझे भी खींच लूंगा। अरे आ बाहर चल, जल्दी आ जा। बेटा क्या बात, आज तेरी कुछ तबीयत ढीली सी लग रही है। तबीयत खराब आज। चल तू आराम कर ले। बनाने के लिए हींग वाले वगैरह खा लिया कर। तुझे ना पता, इससे बड़ा बेहतरीन प्रेशर बना है। चल झूठ।
अच्छा एक बात बता, तुम इतनी चाय को नहीं खाई? चाय पता नहीं। चार दिन में चला जाएगा, मैंने कमरे में बुला रखा आपने। इस घर को का धर्मशाला समझ रखा है क्या तूने, जो नए लड़के को लेके आ रहा है? कल से नजर ना जाए, भगा दियो से कल को, समझ गया ना? लग तो धर्मशाला सी रही है। धर्मशाला बता रहा है इसे? कल को बढ़ना चाहिए इस घर में लेकर जियो, धर्मशाला बता रहा है इसे? भाई इसने तो बहुत तेज चाटा मारा, कान में भी सीटी सी बज रही। तू चिंता मत कर, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा मुझे। भाई मैं ना रहूंगा एक मिनट भी, एक कान तो बंद हो ही गया, दूसरा और हो जाएगा। अरे तू तो बिल्कुल ही डर रहा है यार, यूं मान ले हमें किसी कारण रुक रहा हूँ, इसका साले का भी रहा बात। यार अमित, जब से उस चाचा ने कान पे मारा है ना, कान की सीटी अभी तक बंद नहीं हो रही। उस चाचा की तलाश में ही तो हूँ मैं, उसे एक बार दिख जाने दो, उसका तो मैं बताऊंगा। हाँ यार देख चाचा आ रहा, अगर इस नाना देख लिया ना, तो मेरे दूसरे गाने कैसे कर देगा? अरे आने दे उसे, आज जो मैं कर रहा हूँ ना, बस मुझे वही कर लेंगे, अभी बताऊंगा। आज वहीं जाके बताती हूँ, बीड़ी पी लाऊंगा पक्का बैठ के। चल सकती
सॉरी बोल क्या होता है, तू जानती है मैं कौन हूँ? ये सॉरी बोल तो दिया, आप कैसे करोगे? गलती आपकी है भैया, देख के आप नहीं चल रहे थे, मैं तो देख के ही चल रही थी। शांत बोल रही, पता है कविता, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? बस तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। क्या शादी की बात? तुम सच बोल रहे हो क्या? हाँ। अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी यार। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था तू क्या बोल रही। ऐसा मजाक फिर मत करना। नहीं एक बात बताओ कविता, ये हमारी प्यार की कहानी कब तक चलेगी? मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस यार मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें भगा कर भी नहीं ले सकता। जब मैं तैयार हूँ भाग लेंगे तो तुम नहीं ले सकते, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। नहीं मान लो मेरी बात। मैं यार तुम्हारे माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकता। तो मान जाएंगे, समझो। देखो कविता, मैं ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ। अरे पापा हमारी शादी नहीं करेंगे। परेशान मत हो, अमीन
खा दिया मिनियों का, जिस थाने में खाता है उसकी छेद करता है। तू भैया मेरे को पहले से सकता है इस पर, तुमने एक ना सुनी मेरी, रामी ने दिखा दी ना अपने ओके। अरे क्या उठो मार रहा तुम इसको? मेरे से विश्वास का, इसने मेरे विश्वास तोड़ दिया। ऐसे क्या बात हो गई? मैंने आपको पहले ही बोला था कि घर में जवान बेटी है। मैं मूर्ख हूँ, उसकी मैंने मेरी बात नहीं मानी। आराम से मजे से खा पी मौज ले, तेरा लैपटॉप भी आ जाए जिसकी वजह तू भाग गया था, टेंशन ना ले। ना पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब जाकर रोटी रोटी खा कर एक ही हमारे किसी छोड़ दे। यार जब से मुझे भरोसा आ गया मुझे इतनी याद आ रही है उसकी, मैं क्या बताऊँ। मुझे रात को नींद आती है, मुझे दिख नहीं। बीड़ी है तेरे पास? बीड़ी एक ही बच रही है। लगा ले यार तुझे, तो दूसरा बंडल लिया जाके जा। ए यार बीड़ी मैं मंडल ले आऊँ जब तू दुकान से मंडल लेगा। ठीक है। अरे लड़की कौन आ रही है? तो मेरी तरफ आ रही है क्या? आपने अनिल को देखा है क्या? अनिल? मैं किसी अनिल को नहीं जानता जी। अरे वो इसी गांव में तो रहता है, अनिल नाम का लड़का। अरे मैं कविता की बुआ हूँ, गाजियाबाद से आई हूँ। देखा क्या उसको कहीं? अरे अरे कुछ कहा आपने? वैसे आप किसकी बुआ हो? मैं कविता की बुआ हूँ। वैसे आप कौन हो? मैं अनिल का मामा हूँ। मामा? अच्छा तो अनिल के मामा हो आप, फिर तो और अच्छी बात है। अच्छा बच्चों मुझे ही चला रहा है, अभी मुझे चकाती हूँ। अनिल का मामा बता रहा है खुद को। अरे नहीं नहीं वो दोनों बच्चे तो आपस में प्यार करते हैं। प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्या समझा लेना उसको। अरे अरे आराम से बात करो, कोई सुन लेगा तो हमारी आपकी बदनामी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझती हूँ। एक बात बताओ, जब वो दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं तो उन दोनों का ब्याह कर देना चाहिए। हम ब्याह तो कर देंगे पर हमारी कुछ शर्तें हैं, चल इनको माननी पड़ेगी। अरे ये तो कविता की अंगूठी लग रही है। ओहो अब बताऊँ ऐसा, मुझे समझ में आ गई कविता मुझे पागल बनाना आई है। मेरा भांजा कोई शर्त नहीं मान सकता। मेरा भांजा तुम्हारी नच्चड़ी से शादी करेगा। क्यों वो नच्चड़ी है? अरे वो तो बहंगी भी है। वो बहंगी भी है? अरे यार उसे क्या बताऊँ, उसकी तो रहड़ी भी बहती है। उसके रहड़ी भी बहती है? अच्छा बच्चों वो नच्चड़ी है, काली कलूटी है, अभी बताती हूँ तुझे। लगते किसके पैर रखे हैं? पड़ोसे के मान के लेकर आई थी। अरे पता चल गई तो कभी कहा। तुझे कैसे पता चली? वैसे मुझे बेवकूफ माना है। वैसे कैसे पता चला तुझे? ये तो पता मुझे बेवकूफ माना है क्या?
कविता थी वो बन गई थी मुझे पागल बनाने के लिए। अच्छा मंडल लेना नहीं किया आप यहाँ मौज ले रहा। चल कोई ले चल मंडल चल चल रहे हैं यार अब घर। चल भाई कब तक उदास रहेगा तू भूल जा उस लड़की। भाई मैं उस लड़की को भूल नहीं सकता मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भाई इस चक्कर में कुछ नहीं धरा वो अपना कमार खा। भाई देख मैं उससे मिलने जाऊँ उसके घर तुझे मेरे साथ देना है या नहीं। भाई मैं तो जाऊँगा तुझे पता पहले भी उसके चाचा ने हमें मार कर भगाया। भाई तू ऐसा कर तू मेरे साथ मत दे रहे बस चला जाए मुझसे घर। ठीक है भाई जाओ। चाचा ओ चाचा क्या बात होगी चाचा। वो अनिल क्या होगा अनिल को अनिल एक लड़की के चक्कर में फंस गया होगा फिर गया और उसका चाचा बहुत खतरनाक है तुम मेरी गैल चलो जल्दी आओ। बेटा अब तू यहाँ से चला जा अब कुछ फायदा नहीं है। बस मैं एक बार कविता को देखना चाहता हूँ। चला जा तू लल्ला यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आएगी? ये लड़का जिसके बारे में तुम बता रहे थे चाचा ये मुझसे प्यार करता है इसलिए चुप है वरना इसके हाथ बंधे हुए नहीं है। बस बहुत हुआ बकवास बंद कर हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके। अपने लौंडे को संभाल के ले जा दोबारा इस गांव में बनना ना चाहिए हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके हाथ पैर। इसे जिंदा को भूख देंगे दोबारा गांव में दिखा दिए गए हो। चल रहे करो अपनी लड़की को संभाल कर रखिए। जी उसे तो मैंने कमरे में बंद कर दिया है। आज बात बाहर निकल जाओ। कटवा दे बिल्कुल उस काम में। इतनी बेइज्जती होने के बाद तू चाहता है मैं तेरा रिश्ता मांगने उस घर में जाऊं? भूल जाए सब। पिताजी मैं शादी करूं तो उससे ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। ये शादी बच्चों का खेल नहीं है। माँ मैं पिताजी की मर्जी से शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा तो कविता से करूंगा नहीं तो घर को दोबारा छोड़ के भाग जाऊंगा। इसकी बुद्धि तो होगी भ्रष्ट। अब शादी तेरी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता जिसकी कोई मर्जी नहीं चलती हो। अरे काम इल्ला कर ले जाके कुछ जा ये दिमाग खराब करे आप ही पिता फिर सारा दिन। ज्यादा ना डटक रहो से। ऐसा तो घर चले जा और मेरी रोटी घेरों भेज दिए जा। हे भगवान प्लीज मुझे अनिल से मिलवा दो बस एक बार। क्या करूं मैं क्या करूं। चलो ऐसा करती हूँ पापा और चाचा तो जंगल गए हैं और माँ सो रही है तब तक मैं अनिल से मिल के आ जाती हूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। कविता, ओ, आज ये देखना कविता
चीजें हवा नहीं कर सकती, हर टाइम सोच रहती है। भाई मुझे पूरा विश्वास है उसी लड़के के पास गई होगी, मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा, चिंता मार दूंगा उसे। चलो चलो साथ भाई। हाँ हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना उससे पंगा मत लेना, बुला अपने यार को, देखता हूँ आज से। ये कौन बोल रहा है? चलो आ जाते हैं, जबान संभाल के बात कर, मेरे लड़के आ रहा है, उसे बुलाओ ऊपर नीचे। क्या हो पिताजी? बताओ हमारी लड़की कहाँ है?
एक सांस चलेगी यूं ही प्यार करता रहूंगा ले ले जन्म चाहे।